प्रदेश में जन सहयोग से पौधारोपण अभियान में प्रदेश में 1000 हेक्टेयर में जन प्रतिनिधि और लोग पौधारोपण करेंगे ताकि लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ जन सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जा सके। ये बात विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुलह इलाके के झरेट में वन विश्राम गृह के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन आवरण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि धर्मशाला सर्कल में 1985 हेक्टेयर क्षेत्र में 6 करोड़ की लागत से 16 लाख विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी पंचायतों में हर वार्ड में 51-51 पौधे लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है और जिन वार्डों में अच्छा कार्य होगा उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में KFW प्रोजेक्ट में पनापर, गगलखोली, घनेटा, रंजू 1 और रंजू 2, जौना, क्योरवा, बरसौल, भद्रौल, कोना तथा बिछवाई में पौधारोपण ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से पौधारोपण, भू संरक्षण, लेंटेना उन्मूलन, तालाब और ट्रेंचिंग इत्यादि के लिए 5,64,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर उन्होंने ग्राम पंचायत झरेड़ में 49,00,000 की लागत से निर्मित वन विश्राम गृह, 8,00,000 की लागत से निर्मित पंचायत भवन झरेट और 30,00,000 की लागत से निर्मित होने वाली झरेट कन्या देवी सड़क का भूमि पूजन किया और रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत ढंटोल में 20,00,000 की लागत से निर्मित शिवद्याला सड़क एवं विद्युतीकृत हैंडपंप लोगों को समर्पित किया। उन्होंने यहां मुख्यमंत्री राहत कोष से विभिन्न 41 लाभार्थियों को 4,50,000 की सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। फोरम होता है, लोग आते हैं, परंतु लोगों को बैठने के लिए अगर वातावरण माहौल नहीं है तो मैं वर्तमान पंचायत की प्रधान उप प्रधान वार्ड पंचों को, बीडीओ और पंचायती राज के अधिकारी कर्मचारियों को भी बधाई मुबारकबाद, इलाके के लोगों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज सुंदर पंचायत भवन का भी लोकार्पण हुआ है। इसके लिए झरेट वासियों आपको भी बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। अनुमानित लाख 3,94,00,000 रुपया लाभान्वित गाँव 8 है, झरेट है, कानफट है, झूं है, बदरोल है, गगल है, चंबी है, डई है, गदियाड़ा है और लगभग यहाँ पर मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, बहुत से टेलीफोन आते हैं ये पानी पुरानी हो गई, जंग लगा हुआ है, इस इलाके की तमाम पाइपों को भी बदलने का काम हम कर रहे हैं और इस तमाम इलाके में भी जहां जरूरत हुई वहां पर हमने झरेट में बड़ा टैंक बनाया है। इसके अलावा यहाँ चाहे हमारा गदियारा हो, चंबी चीड़न हो, चाहे वो हमारा रजू हो, ये पंचायतों में भी जहां जहां पर टैंक्स की जरूरत थी वहां पर टैंक बनाने का काम हमने पूरा कर दिया है। यानी झरेट, चीड़न, थलेड, लोअर भारत, डगान, पनियाली, पीरा, गदियारा, ढलेरा, कानफट, चंबी, डगान, इन तमाम इलाकों में ओवरहेड टैंक जो है वो बना दिए गए हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भट सुल्हा 10,00,000 रुपए इसके लिए भी आ गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट गार्ड हट एट बलोटा 5,00,000 रुपए इसके लिए भी आ गया है और मैंजा के पास एक नेचर पार्क हम बनाने जा रहे हैं, लगभग 2 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा और विभाग का धन्यवाद और माननीय मंत्री जी का, श्री राकेश पठानिया जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सुलह विधानसभा क्षेत्र के उस बहुत बड़े ग्राउंड में एक नेचर पार्क हम वहां पर बनाएंगे और वहां पर एक नया काम हमारे लिए होगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी का आभार, धन्यवाद, आप समय निकाल करके आए और इंदर को बदल सकते हैं, इसीलिए हम आपके बीच में यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर आज कुछ भाइयों को, जरूरतमंदों को सहयोग राशि दी जाएगी। यहाँ पर आज एक ऐसे रोड का भूमि पूजन हुआ याद रखा जाएगा, तप्पा भोरा के लिए बहुत छोटा रास्ता हो गया,
ये इसलिए रखा गया क्योंकि इलाके की मांग थी। इस इलाके के लोग बहुत से मेरे पास आते थे, बात करते थे, तो इसीलिए आज आपकी उपस्थिति में, आपकी हाजिरी में ये सारे काम संपन्न हो रहे हैं। ये इसके लिए मैं आप इलाका वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। दिसंबर 2021 में हम इस स्कीम को पूरी तरह से तैयार कर देंगे और 621 नल जो है, 621 नल हम घरों में लगाएंगे और उसके लिए आपको पाइप नहीं देनी होगी। हमारा जो जल जीवन विभाग है, जल जीवन ऐसा करके जो डिपार्टमेंट है, ऐसे लोगों के घरों में नलके लगाने का प्रावधान करेगा। इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपका धन्यवाद प्रकट करना। हम रोड़े अटकाने वालों में नहीं है, दाएं तो दाएं बाएं करने वालों में है।